खबर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ केस की समाअत, अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए हैं। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने केस की समाअत की है। दरख्वास्त गुजार परवेज इलाही की अहलिया कैसर इलाही के वकील आमिर सईद रा ने दलाइल दिए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला महफूज नहीं किया, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया था। जेल हुकाम ने रोकथाम जारी होने के बावजूद परवेज इलाही को रिहाई नहीं दी है, ये मौकफ अपनाया गया है। परवेज इलाही को सियासी बुनियादों पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए नज़रबंद किया गया है। अब्दुलरहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी अब्दुलरहमान जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को नामलूम जगह पर मुंतकिल करने और हफ्ते भेजा में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर हमसे पंजाब आई जी जेल खाना लाहौर से एक हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने केस की समाप्त की, जबकि दरखास्तदार परवेज इलाही की बेगम कैसा इलाही के वकील आमिर सईद रा ने दलाइल दी। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को रात 1 बजे कैब जेल से नामलूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को नामलूम अफसर नामलूम जगह पर लेके अदालत ने सलाह है कि उन्हें बाजियाब करा के अदालत में पेश करने के अहकाम सादर किए जाए, जबकि लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर भी दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। जी ठीक है अब्दुलरहमान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग